अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अगर आपके भी दिल में दर्द रहता है या सीने में दर्द रहता है या जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द रहता है, अब दर्द को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ी दवाइयाँ आपने की हैं, बड़ा डॉक्टरों को पैसा आपने दिया है, मगर तब तक दवाइयाँ खाओ तब तक ठीक रहता है, उसके बाद में फिर पहले की तरह होने लगता है। अगर आप इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दर्द हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो मैं आज आपको एक रूहानी ऐसा अमल बताने लगा हूँ, कुरानी एक ऐसा अमल बताऊँगा कि अगर आपके सीने में, आपके दिल में, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है, तो आप ये अमल लाजमी करें या किसी दूसरे से करा लें, इंशाल्लाह ताला इस दर्द से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। आइए मैं आपको अमल बताता हूँ, उससे पहले कादिर सफ़र 786 को सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है तो फिर आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों में भी शेयर करना, जो इस परेशानी में मुब्तला हैं उन तक तो ज़रूर शेयर कर देना। आइए मैं आपको बताता हूँ, आपने इस दर्द से छुटकारे के लिए, इस दर्द से बचने के लिए करना क्या है। आपने एक मार्केट से अच्छा सा सेब खरीद लेना है, यानी सेब खरीद करके आप घर ले आएँ, और लाने के बाद में आप वज़ू करें या के किसी और से करा लें, यानी अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं तो किसी और से भी इस अमल को करा सकते हैं। आपने वज़ू कर लिया, कुरान मजीद को आप अपने सामने रख लें, सबसे अव्वल में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद में इस पर पूरी एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें, पढ़ने के बाद में आखिर में फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें और इस सेब पर दम कर दें। अब आपने इस सेब का करना क्या है, इस सेब को बड़ी हिफाजत के साथ आपने फ्रिज वगैरह में किसी सही जगह में रख देना है। रखने के बाद में रात है, सोएं, नमाज़ें पढ़ें, सोएं, और जब सुबह नमाज फजर के लिए उठें, नमाज फजर से पहले या नमाज फजर के बाद, आपने इस सेब को निहार मुँह, यानी अभी आपने कुछ नहीं खाया है उस वक्त में, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस सेब को तनावल कर लेना है। यानी आप ये अमल हफ्ते में 3 रोज़ करें, 2 रोज़ करें, 1 रोज़ तो ज़रूर लाजमी करते रहें, और अगर आप रोज़ाना कर सकते हो तो रोज़ाना एक सेब इसी तरीके का पड़ा हुआ खाते रहें, इंशाल्लाह आपके सीने में, आपके दिल में दर्द नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके दिल में कोई भी परेशानी है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, किसी तरह का कोई दर्द आपके नहीं रहेगा, सारी परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी, आपके जिस्म के तमाम दर्दों से आपको निजात मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई है और ऐसी ही वीडियो देखने के आप शौकीन हैं, कोई परेशानी है आपको और आप उसके लिए कोई भी कुरानी अमल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करें, हम आपके मुताबिक इंशाल्लाह ताला तलाश करके कोई ना कोई अमल आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, और ऐसे लोगों को तो ज़रूर शेयर कर देना जो जिस्म के दर्द से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, जो बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दें, ताकि वो कुरान से फैज़ लें और जो है इसके पढ़ने के आदी भी बन जाएं। खुदा हाफिज़।